कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC में पूछे गए पुराने कंप्यूटर के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर माइक्रोप्रोसेसर एंड द प्रोग्रामेबल डिवाइस इज नोन। इसमें पूछा है कि लो लेवल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो और किसके लिए है ये? लैंग्वेज फॉर माइक्रोप्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस। डिवाइस का मतलब यहाँ पे है जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन वगैरह होगी। ठीक है, जो भी एम्बेडेड डिवाइस होती हैं वो, यानी जो डिवाइस है या प्रोसेसर है, चिप है, उसकी प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी इसमें से यूज होती है? तो उसके लिए होती है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब लो लेवल की बात करें तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज भी लो लेवल है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपसे लेवल के बारे में पूछे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो हैं, लो लेवल और हाई लेवल। ठीक है, लो में आपकी दो होगी, मशीन और असेंबली। ठीक है, और जो असेंबली लैंग्वेज है इसके बारे में देखिए, एक क्वेश्चन तो ऐसा ही है कि माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज या फिर डिवाइस की प्रोग्रामिंग। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ आ जाए सिंबॉलिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखना। ठीक है, सिंबॉलिक लैंग्वेज ये सारे असेंबली के लिए हैं। ठीक है, पर मशीन काम किस पे करती है? मशीन लैंग्वेज पे। और ये करता कौन है फिर? असेंबली से मशीन में कौन बदलता है? असेंबलर। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। असेंबलर का काम है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलना। ठीक है, और फिर उस मशीन लैंग्वेज पे जो भी आपका सीपीयू है वो काम कर पाता है अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर सिस्टम 4 बिट आर इक्वल टू। ठीक है, ये पूछा है कि 4 बिट के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? 4 बिट के कम्बिनेशन को कहते हैं निबल। देखिए, सबसे छोटी यूनिट पूछे तो बिट। ठीक है, 1 बिट वो क्या हो सकती है आपकी? 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ग्रुपिंग होती है 4 बिट की, यानी 4 बिट्स को हम क्या बोलते हैं? एक निबल। ठीक है, इसके बाद 8 बिट्स को क्या बोलते हैं? एक बाइट। या आपसे ऐसे पूछ ले कि भी एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो 8 बिट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ही ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद इससे अगला आता है 1024 अगर बाइट्स लें तो उसको बोलते हैं हम 1 किलोबाइट। ठीक है, यानी 1 KB में कितने होंगे? 1024 बाइट्स। ऐसे ही आगे जाएं, 1 KB के बाद आता है MB, मेगाबाइट्स। इसमें कितने होंगे? 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, बाकी जो यूनिट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे लेक्चर में। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं जो यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो एक कैरेक्टर है, हो सकता है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले, तो ये कितने का होता है? 8 बिट का या फिर 1 बाइट का, ये भी ध्यान रखना। हो सकता है इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लेते कि एक कैरेक्टर कितने बिट का होता है? 8 बिट का, या फिर बाइट में पूछे तो 1 बाइट का। क्यों? क्योंकि 8 बिट किसके बराबर है? 1 बाइट के बराबर है। ठीक है, और 1 किलोबाइट में कितने बाइट हैं? 1024। ठीक है जी, इसे ध्यान रखना। या फिर यहाँ पे ऐसा पूछ ले कि 1 KB में बिट्स कितने हैं आपके? देखिए, 1 KB में 1024 तो बाइट्स हैं। ठीक है, और 1 बाइट में कितने बिट हैं? 8 बिट हैं। तो अब ये कितने हो गए हमारे टोटल बिट्स? भैया, तो 1024 को 8 से गुणा कर देंगे, जो भी टोटल आएगा वो क्या होगा? हमारा 1 KB में उतने बिट्स होंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर विल प्रिपेयर द जॉब एंड हैंड इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर इन फॉर्म ऑफ डिवाइस लाइक पंच कार्ड। भैया पूछ रहे हैं कि पंच कार्ड पे कुछ काम है, आप वो उस पर कमांड है वो आप पंच कार्ड पे लिख के कंप्यूटर को दे देते हो, कंप्यूटर फिर उस पर काम करता है, ऐसा इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो ऐसा था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पंच कार्ड पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख के हम कंप्यूटर को दें और वो उस पर काम करता है, ऐसा कुछ आपसे पूछे तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि बहुत पहले आया था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जो भी ये टाइप है, मल्टी यूजर क्या है, सिंगल यूजर क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा कोर्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। ए नेटवर्क इज ए डिवाइस दैट मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट एनालॉग कैरियर सिग्नल फॉर एनकोडिंग डिकोडिंग। देखिए, ये कुछ नाम है, या तो ऐसा कुछ है कि एनालॉग से डिजिटल में बदलना,
ठीक है, या आए डिजिटल से एनालॉग में बदलना, ठीक है, या एनकोडिंग डिकोडिंग ऐसा कुछ बोला है, सिग्नल किया एनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये नाम है एनकोडिंग डिकोडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन की मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, ये सब जब नाम आए ना तो ये काम किसके होते हैं, सारे मोडेम के काम होते हैं, ठीक है, मोडेम डिवाइस का सारा ये काम होता है मोडेम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एमओ से क्या है मॉड्यूलेशन, और डीएम से क्या है डीमॉड्यूलेशन, ये चीज आप ध्यान रखना, मॉड्यूलेशन ये वाला एनालॉग से डिजिटल, और डीमॉड्यूलेशन डिजिटल से एनालॉग, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, द डिवाइस इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन सच एज कंप्यूटिंग, ये कहता है कि कंप्यूटर की प्राइमरी फंक्शन नहीं काम करते, मतलब वो उसकी प्राइमरी नहीं है, है तो सेकेंडरी, ठीक है, पर डिवाइस, मेमोरी नहीं पूछा यहाँ पे, यहाँ पूछा डिवाइस सेकेंडरी, तो कंप्यूटर के साथ जितने भी हम सेकेंडरी डिवाइस अटैच करते हैं कंप्यूटर से काम लेने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड माउस वगैरह बहुत सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द ईमेल सिस्टम बिगिन, देखिए ईमेल से जुड़ा क्वेश्चन है, अगर इसकी बात आए सबसे पहले ईमेल की फुल फॉर्म क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, यानी मेल का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मली हम पहले क्या होता था चिट्ठियां लिखते थे, वो कैसे जाती थी पेपर पे लिखते थे और पोस्ट से जाती थी, अगर हम ऐसे ही एक चिट्ठी बनाएं, ठीक है, और वो ऑनलाइन भेजें, ठीक है, कंप्यूटर से नेटवर्क से इंटरनेट से हम उसको भेजें, उसको क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल बोल देते हैं। अब पूछा हुआ है कि कब स्टार्ट हुआ, तो जी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ये आपका आया था 1971 में, और इसको बनाया था रे टॉमिलसन ने अर्पानेट में, ठीक है, इसको बनाया था रे टॉमिलसन ने अर्पानेट में, इसी वजह से इसको फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है, सकता है कि फादर ऑफ ईमेल कौन है, रे टॉमिलसन या फिर आर टॉमिलसन ऐसे, या फिर इसका फुल पूरा नाम भी हो सकता है, ठीक है, रेमंड, पूरा नाम इसका रेमंड टॉमिलसन, तो रे टॉमिलसन रेमंड टॉमिलसन, इसे ध्यान रखना। कहां पे बनाया ये पूछा जाए तो अर्पानेट में, अर्पानेट क्या है, अर्पानेट क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये एक संस्था थी यूएस की, यूएस आर्मी की, जिसने पहली बार कंप्यूटर नेटवर्क बनाया था, ठीक है, तो ये नेटवर्क की शुरुआत यहाँ से हुई थी, और इसी एजेंसी में रहते हुए रे टॉमिलसन ने 1971 में पहला ईमेल सिस्टम बनाया था जिसमें एट द रेट सिंबल का उपयोग हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर का नाम था और एट द रेट के बाद कंप्यूटर का नाम था, भी जिस भी कंप्यूटर को ईमेल भेजनी है, ऐसा कुछ एक फॉर्मेट आया था, ठीक है, ऑप्शन में 1971 नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या है 1971 में पहला ईमेल सिस्टम शुरू हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द फीचर ऑफ एम एस वर्ड 2010 विच हेल्प टू करेक्ट मिस्टेक इन ए डॉक्यूमेंट विदाउट रीडिंग, ये कह रहा है कि जब आप टाइपिंग करते जा रहे हैं तो आपकी मिस्टेक्स को ठीक करता है बिना उसको देखे, यानी डॉक्यूमेंट को रीड करे बिना, ठीक है, प्रॉपर वो साथ के साथ जैसे ही आप टाइपिंग करते रहते हैं, यानी कि इस इतना ज़्यादा डिटेल में इसको कन्फ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है, सिंपल पूछा है कि आप टाइपिंग करते हैं उस टाइम पे आपकी जो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं या इंग्लिश ग्रामर की मिस्टेक्स है वो कौन करेक्ट करता है, ठीक है, तो वो कौन करेक्ट करता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, ठीक है, ये एक उसमें मॉड्यूल होता है, फंक्शन होता है एमएस वर्ड का, ये क्या करता रहता है कि आपकी स्पेलिंग भी चेक करता रहता है, जैसे जैसे आप टाइप करते हो नीचे रेड रेड कलर का वो आ जाता है सिंबल, ठीक है, जिससे आप अंडरलाइन कर देता है ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, साथ ही साथ ग्रामर भी, भाई आप लिख रहे थे आपके टेंस की कोई मिस्टेक होगी, जैसे प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस आप जो लिखते हो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वगैरह जो भी होते हैं उनमें भी अगर कोई कहीं दिक्कत आती है तो उसका भी ये सजेशन देता है, यानी ये दोनों प्रकार की चेकिंग करता है, स्पेलिंग की भी और ग्रामर की भी, ठीक है। नेक्स्ट, कंटेन मल्टीपल टैब विच ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड, ठीक है, ये कहता है कि
मल्टीपल टैब्स कहाँ होते हैं? देखिए, आपने देखा हो, एमएस ऑफिस कभी चलाया हो, तो यह ऐसे कुछ ऑप्शंस होती हैं, फाइल, इंसर्ट, जो पुराने होंगे उनमें मिलेगा आपको फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, हेल्प, इस तरह से, ठीक है। जो नए वर्जन है एमएस ऑफिस का, उनमें मिलेगा आपको फाइल, इंसर्ट, पेज, ऐसे करके ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है। रेफरेंस, इनको बोलते हैं टैब्स, इनको बोलते हैं टैब्स। और इन टैब्स में क्या होती हैं? कमांड्स होती हैं, जैसे कोई प्रिंट की कमांड होगी, कोई पेज की कमांड होगी, ठीक है। इसमें मतलब बहुत सारी कमांड्स हैं, यानी इनको हम ग्रुप ऑफ कमांड बोलते हैं। सारी कमांड हैं तो ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। इसमें कई सारी कमांड हैं, ये एक ग्रुप हो गया, तो इनको बोल देते हैं टैब। ये होती कहाँ पे है? डायरेक्ट ये पूछा गया है, तो जिस जिस भी एरिया में ये होती हैं, इस एरिया को बोलते हैं रिबन, ठीक है। जिस एरिया में ये होती हैं उसको बोलते हैं रिबन, ये चीज़ आप ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पे आधारित थी? देखिए, पीढ़ियों के बारे में पूछे तो जो पहली पीढ़ी थी वो किस पे थी? वैक्यूम ट्यूब पे। दूसरी जो पीढ़ी थी वो किस पे आधारित थी? ट्रांजिस्टर पे। तीसरी जो पीढ़ी है वो किस पे आधारित? आईसी पे, इंटीग्रेटेड चिप या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन है वो आपकी किस पे आधारित है? LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो पांचवी जनरेशन है वो ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये आप जनरेशन के बारे में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी सेकंड में पूछा है तो इसमें कौन सा आंसर हुआ हमारा? ट्रांजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट पूछा होता तो ये वाला हो जाता आंसर, सेकंड पूछा है तो ये हो गया, ठीक है। थर्ड पूछते तो ये वाला हो जाता, ठीक है। फोर्थ होता तो VLSI हो जाता, ठीक है जी। नेक्स्ट, ए कंप्यूटर कीबोर्ड कैन नॉट बी टाइप ऑफ, कंप्यूटर कीबोर्ड का टाइप पूछा है, तो कीबोर्ड के बारे में आप ध्यान रखना, ठीक है। कीबोर्ड का ये एक तो 5 पिन का है, ठीक है, ये भी होता है, 6 पिन का आया था उसके बाद वो भी होता है। PS2 कनेक्टर, ये भी एक टाइप है, यानी कि ये भी एक टाइप है, ये भी एक टाइप है। यूएसबी कीबोर्ड भी होते हैं, आजकल ज़्यादातर यूएसबी ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक जो है टाइप इनमें से नहीं है, ठीक है। तो 5 पिन डिन, 6 पिन डिन आ जाए वो भी है, ठीक है। यूएसबी है, यूनिवर्सल सीरियल, बस फुल फॉर्म आ सकती है, ठीक है। PS2, ये भी एक कनेक्टर है, कीबोर्ड का टाइप है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।